आप देख रहे हो एक्वाटिक यूट्यूब चैनल, एक्वाटिक साइड यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग एक अमेजिंग व्लॉग होने वाला, मतलब मैं आज के व्लॉग में मेरे गप्पी फिश के टैंक और बेबीज और सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला कि जो मेरे एक फिट का टैंक है जिसमें मैंने टॉक्सिड गप्पी के ब्रीडिंग के लिए डाले, वो दो पेयर है। और मेरे पास मोजैक के फ्राइज है, मतलब मोजैक के फ्राइज है, 40-30 फ्राइज है, वो भी दिखाऊँगा कि वो मैंने लेकर आया था, जो दुकान से लेकर आया था। और डायरेक्ट मैं लेकर आया 10 मिनट में, उस फीमेल ने बच्चे दे दिए, कल ही दे दिए, और 2 डेज़ का है, मतलब 2 दिन के बच्चे वो अभी दिखाने वाला। और मैं उनको इस एक टब में शिफ्ट करने वाला, वो भी कपी प्लेस के प्राइज है, वो भी मैं दिखाने वाला। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, पूरा देखें, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर जो भी बनाने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, इससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको और ऐसे ब्रांड न्यू ब्लॉग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये मेरा 1 फीट का एक प्लांटेड ब्यूटीफुल एक्वेरियम है, और इसमें मैंने टॉक्सिडो गप्पी की ब्रीडिंग के लिए 2 पेयर डाले। और इस प्लांटेड एक्वेरियम में मैंने प्लांट कौन कौन से डाले हैं बता देता हूँ। मैंने एक हाइग्रोफिला डिफॉर्मस डाला है, और एक कोबाम्बा का प्लांट डाला है, और एक जंगल वेल है इस पॉट के पीछे, और एक वुड डाला है लकड़ी, और एक पॉट डाला है। इससे उनको बहुत अच्छा हेडिंग प्लेस मिल रहा है। और आपको भी ब्रीडिंग के लिए जो बनाना होगा तो आप ज़्यादा तो प्रेफर प्लांटेड टैंक ही करें, इसमें ब्रीडिंग अच्छी होती है और गप्पीज को स्ट्रेस नहीं आता। और मैं आपको इन गप्पी के फीडिंग के बारे में बता देता हूँ और मैं क्या फीडिंग करता हूँ इनके लिए। ब्रीडिंग के लिए आपको फीडिंग करना होगा ट्यूबिक्स वॉर्म, एग में बहुत प्रोटीन होता है, ट्यूबिक्स वॉर्म में भी बहुत प्रोटीन होता है, ये आपको फीड करना पड़ेगा। और आप पैलेट्स भी फीड कर सकते हैं, और ये आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम फीड करना पड़ेगा, इससे आपकी बेबीज़ अच्छे हो जाएंगे, मतलब लोडेड हो जाएगी फीमेल अच्छे से, क्योंकि उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है बेबीज़ के लिए, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये है मेरा 1 फीट का प्लांटेड एक्वेरियम, ये आपको मैंने दिखा दिया, ये मेरा 1 फीट का प्लांटेड एक्वेरियम गप्पी का। और मैं मेरे अब पहले के गप्पी फिश के मोजैक के फ्राइज दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पहले के मोजैक के फ्राइज है, तो ये देखिए मेरे 1 मंथ के मोजैक गप्पी के फ्राइज है, और इनकी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है। और इनको मैं फीडिंग में ट्यूबिक्स वॉर्म और एक फीड करता हूँ, एक का वो जो पीला वाला होता है योक, वो फीड करता हूँ। और अनवलिप डाला, मतलब बादाम का पत्ता डाला है, इससे मेरे पानी का कलर आपको येलोइश दिख रहा है, तो ये अच्छा होता है क्योंकि ये पीएच मेंटेन करता है और पानी को स्मूथ करता है। और इस एक टैंक में मैंने एक एयर स्टोन डाला है, इससे उनको ऑक्सीजन में देता हूँ। और ये मेरा आधी फिट का मोजैक गप्पी का 1 मंथ का गप्पी का टैंक है, और ये मेरे 40+ गप्पी फिश के फ्राइज है, और ये फीमेल ने, मतलब मैंने लेकर आई थी और उन्होंने 10 मिनट में पिल्ले, मतलब फ्राइज दे दिए थे, ये उसके मोजैक के 40+ गप्पी फिश के फ्राइज है। और ये मैंने शिफ्ट कर दिए थे, और शिफ्ट करने की वीडियो नहीं निकाली, सॉरी। और ये मेरा 40+ गप्पी फिश का प्राइस का स्टॉक है, और उनको मैं अभी फीडिंग में एग योक फीड करता हूँ 2 टाइम, और ये 2 वीक के होने के बाद उनको मैं ब्लड वॉर्म, मतलब ट्यूबिक्स वॉर्म फीड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे ट्यूबिक्स वॉर्म करोगे तो उससे उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आपको भी अपने गप्पी फिश के फ्राइज की ग्रोथ जल्दी करनी होगी तो आप भी उनको एग योक और ट्यूबिक्स वॉर्म, जो कीड़ा होता है, यो फीड करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपकी भी फ्राइज की ग्रोथ जल्दी होना शुरू हो जाएगी।